वेलकम टू द चैनल गाइस। अजय अभी देखो आप लोग को सेकंड टाइम स्टॉमी इधर आई है और देखो ऑलरेडी ये लोग कैसे एकदम मस्त फ्रेंड हो गए। अजय चल अजय स्टॉमी देखा एकदम मस्त सेट हो गई। इसके लिए आराम आराम से ट्रेन करने का था, बहुत जरूरी था। अभी देखो कैसे ये लोग सेट हो गए। वो ऐसे काइंड ऑफ ये पोस्चर एक्चुअली है कि ये अपने आप को सबमिट कर रही है एक डोमिनेंट डॉग के आगे कि बॉस आई एम नॉट गोना मेस विद यू। और इट इज ऑब्वियस कि एस नो उसकी उसका अपर हैंड है। आजा तो अभी दिखा दे, थोड़ा आगे चलते और आपको दिखा दो ये लोग का रिएक्शन। पर एकदम मस्त सेट हो गए और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी देखो इसको एक्चुअली लीश से निकालो। थोड़ा डर रही है हीरो की वजह से। वो खेलने को वो एक्चुअली टैग कर रहा है उसको, क्योंकि उसको खेलने गया वो। हम लोग ने इसको एक्चुअली सिखाया है कि ऐसे वो भाग भाग के आता है, ऐसे टैग करता है और पीछे भागते हैं इसके। तो वो एक्चुअली उसके साथ वो ही ट्राई कर रहा है। तो देखो ये इसका पानी पी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ इस गुड बॉय टॉमी को थोड़ी भूख लगी लगता है। एस का तो खास जीएस जर्मन शेपर्ड का जो खाना होता है वो एस के लिए अलग बैग आती है जर्मन शेपर्ड्स की। बहुत सारे जन मेरे को पूछते हैं कि जर्मन शेपर्ड का खाने का नाम क्या है, तो वो ब्रांड का नाम है रॉयल कैनिन फॉर जीएसडी। फिर मेरे को क्वेश्चन आते हैं कि पप्पी, अगर जर्मन शेपर्ड पप्पी है वो खाने का नाम क्या है, तो जर्मन शेपर्ड के पप्पी लोग के लिए भी रॉयल कैनिन का आता है, पर वो पप्पी के लिए अलग सी बैग होती है। और क्या नाम है इसका दूसरा, मेरे को लोगों ने पूछा था कि उन्होंने पप्पी लिया है और पप्पी बहुत ऐसे बाइट कर रहा है 2 मंथ्स ओल्ड, तो ये लोग को टीदिंग होती है। तो टीदिंग में अगर आपका पप्पी आपको बाइट कर रहा है तो उसको कुछ ऐसे चबाने के लिए चाहिए होता है। तो ऐसे आप ऐसे एक हार्ड कुछ बोन प्लास्टिक का मिलते हैं, या तो ऐसे एक झाड़ का छोटा ब्रांच का पीस भी दोगे उसको, एज लॉन्ग एज कुछ चबाने मिले। नहीं तो क्या होगा, वो आपका जूता काटते जाएगा या काटते जाएगी, और फिर क्या वो चक्कर में लोगों के ऐसे फर्नीचर खराब हो जाते हैं और शूज वगैरह। ये भी फुल पप्पी ऐसा ही है अपना। पर एनीवेज द गोल वाज, लास्ट टाइम के वीडियो में मेरा मेन गोल था कि ये लोग दोनों को ऐसे एकदम प्यार से मिलाऊं, ये आराम से कभी भी इसके साथ बाहर खेल सके। अभी तक वो थोड़ी, अभी जैसे दिख रहा है थोड़ी ऐसे डरी हुई है क्योंकि ये ओवर एक्साइटेड है, पर लेकिन आई थिंक एक दो विजिट्स में और तो एकदम सेट हो जाएगी। हाँ इस आई थिंक वो जो इनिशियल रिएक्शन था ना इसका लास्ट टाइम व्लॉग में, ये थोड़ा एक्साइट हो गया था। आई डोंट थिंक ही वॉज रियली ट्राइंग टू अटैक हर, मेरे को ऐसे लगा कि शायद अटैक करेगा, पर इसका खाली ऐसे रिएक्शन था क्योंकि अपना डॉग यार ऐसे अग्रेसिव डॉग नहीं, भले उसका ऐसे लगता है कभी कभी एक्शंस पर, क्योंकि मालूम है ना यार मैंने ही रेस किया हीरो को, कोई दूसरा डॉग नहीं तो ऐसे अपने खिलौनों के हाथ तो खेलने भी नहीं देते। हाँ इस चल आजा, दूसरा डॉग इन द सेंस अगर कोई अग्रेसिव डॉग होएगा तो उसको नहीं चलेगा कि उसके खाने में जाके कोई ऐसे एकदम ब्रांड न्यू डॉग आके उसका पानी पी रहा है या खाना खा रही है या उसके टॉयज के साथ। तो ये तो देखो एकदम मस्त गुड बॉय है तू। तो स्टॉमी को अभी वापस ग्रास में ले खेलते। हाँ स्टॉमी चल आजा, थोड़ा क्या इसको यूज टू करा देता हूँ ना और इसके साथ, तो ये सेट हो जाएगी यार। अभी एक और पप्पी आने वाला है नेक्स्ट वीक, मस्त है वो भी डॉग। चल हीरो चल
बॉयज। या सिट, बैठ जा, गुड बॉय, चल पकड़। क्या ये स्कैच मिस कर डाला तूने? अभी ये सेकंड, तो ये अभी डे टू है लोग के बॉन्डिंग का। फर्स्ट वाले वीडियो में जैसे आपने देखा कैसे इंट्रोड्यूस कराया एकदम आराम आराम से, अभी डे टू में लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के साथ यूज टू होते जा रहे हैं। डे थ्री में मोस्ट लाइकली ये मेरा प्रिडिक्शन है कि जैसे मैं बोल रहा था कि ये लोग नॉन स्टॉप ऐसे इधर भागेंगे और खेलेंगे, और फिर इवेंचुअली तो ये लोग को सीधा लेके जाऊंगा जहाँ इसको लेके जाते हैं वॉक पे। ये लोग दोनों को लूज छोड़ेंगे, मस्त ये लोग इन्जॉय करेंगे। एक्चुअली प्लान तो अभी भी उधर ही है जाने का, अगर जाएंगे तो फिर मैं वहाँ भी चल के आप लोग के लिए क्लिप निकाल दूँ। अभी ये वीडियो में यही अपडेट देने का था कि वो सेट हो गई है, ये हीरो सेट हो गया, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एंड कर रहा हूँ इधर व्लॉग गाइस, आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।